रेवाड़ी नारनौल मार्ग स्थित कनुका मोड़ के समीप करीब 32 वर्षीय एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई है, लेकिन पुलिस सभी से आत्महत्या मान रही है। राजस्थान का रहने वाला 32 वर्षीय अनिल पेशे से इंजीनियर था तथा निजी कंपनी में नौकरी करता था। पिछले एक साल से वह कनुका मोड़ के पास मकान बनाकर परिवार से दूर पत्नी के साथ अकेला रह रहा था। बीती रात उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सुबह परिजनों को जैसे ही यह खबर लगी तो उन्होंने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। या तो मालिक जाने या यो बहू जाने सा। लगता है कहीं ना कहीं हत्या की गई है। मुन्ने लाग गए से जी किती ना किती नहीं उम्र तो ना छोड़ो। हत्या की आशंका है। क्या नाम है मृतक का? अनिल कुमार। कितनी उम्र होगी? उम्र होगी जी 32-1 साल बस। 32। क्या करता था? ये कंपनी में इंजीनियर था जी। इंजीनियर। कब से रह रहा था यहाँ? ये 1 साल से मकान बना लिया जब रहने दिला। पत्नी क्या करती है? जो भी 2 महीना से बोला पोहरा ही बनाएंगे हम, जो भी कंपनी में जान लाएगी साहब। कंपनी में जाते हैं। हाँ जी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का मुआयना किया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए DSP भी मौके पर पहुंचे तथा शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल पहुंचाया। इस मामले में खास बात यह है कि पुलिस जहां इसे सुसाइड मान रही है, वहीं परिजन इसे हत्या बता रहे हैं। कुल मिलाकर पुलिस के लिए यह मामला अनसुलझी गुत्थी बन गया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद ही मौत के असल कारणों का खुलासा हो सकेगा। ये अभी तो ऐसा है, अभी एक हमें सूचना मिली थी कि भी एक वो संगलो स्कूल के पास एक गांव है, उसमें एक मकान में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और इस सूचना पर पुलिस वहां पहुंची है। अभी इसका वहां जब पुलिस अभी जांच कर रही है और उसका पोस्टमार्टम करा कर फिर जैसी सूरत होगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर अभी तक सामने अभी अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम इसकी जांच। अच्छा, तो पोस्टमार्टम के बाद जैसा सूरत होगी उसमें कार्रवाई की। क्या किसी को अभी तक किसी का ऐसा कोई बयान नहीं आया? तो क्या वो अकेला रहता था घर पे? अभी जांच कर रहे हैं फिर मैं बताएंगे, क्यों ये राजस्थान के रहने वाले हैं और यहाँ पर इसने मकान 1 साल पहले मकान बनाया था इसने और अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर रहा करता था। पेशे से इंजीनियर बताया था? पेशे से आई कंपनी में एक इंजीनियर है, पर अभी इसकी कन्फर्मेशन नहीं हुई है, उसकी जाँच कर रहे हैं कि किस पद पे था किसी कंपनी में। रेवाड़ी से दिनेश चौहान की रिपोर्ट, हर न्यूज हरियाणा।